कल जो घटना हुई थी हमारे राष्ट्रीय कर्णी सेना के अध्यक्ष श्री सुखदेव जी गोगा मेरी जी के साथ जो कल हुआ, उनकी हत्या हुई, उनके घर के अंदर घुसकर उनकी हत्या की गई जयपुर में, राजधानी में, मैं बहुत ही बिल्कुल स्तब्ध हूँ। मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं किन शब्दों से उनके परिवार को क्या कहें उनको। मुझे लगता है कि इस तरह की घटना किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, और जिस तरह से उन्होंने सिक्योरिटी मांगी भी थी सरकार से, कांग्रेस की सरकार हमारी थी, और उस समय उन्होंने सिक्योरिटी मांगी, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कांग्रेस सरकार की, जो कि नहीं की गई। और उसके बाद जो जिस तरह से उनके साथ जो हुआ, परिवार को मैं संवेदना व्यक्त करती हूँ। और इस तरह की घटना जयपुर में होना, राजस्थान में होना, लेकिन ये भी कहना चाहूँगी एक आम बात हो चुकी है, गैंग वॉर्स होना राजस्थान में, जो कभी किसी ने सुना भी नहीं था। अब इन 5 सालों में कांग्रेस रूल में इस तरह की घटनाएं आम बात हो चुकी है, और लॉ एंड ऑर्डर कम्प्लीटली फेल। जिस तरह से जिस व्यक्ति ने सिक्योरिटी मांगी आपसे, उनको लगातार थ्रेट्स मिली थी, उन्होंने एक इंटरव्यू में भी इस बात को कहा है, उसके बाद भी गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी उनको नहीं प्रोवाइड की, इस तरह की ये रवैया जो कांग्रेस सरकार का रहा है, मैं ये इतना ज्यादा निंदनीय है। उनको तो मुझे लगता है कि अब इस ये हो चुका, अब राजस्थान में ये हुआ, कल ये घटना हो गई, इसके बाद वो क्या कहेंगे, किस मुंह से वो लोग ऑपोजिशन में भी रह सकते हैं। बहुत बड़ा ये पूरा एक प्लान्ड ऑपरेशन होता है, लेकिन जो स्थानीय सरकार है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इसकी जांच भी कराए, और जो जिसने भी आपको कंप्लेन की है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। कल मैंने DGP से भी बात की, राजस्थान पुलिस, उन्होंने मुझे पूरी तरह से आश्वस्त किया कि नहीं, हम लोग कमिश्नर से भी बात की कि हम लोग जल्द से जल्द इन लोगों को पकड़ेंगे। मैं तो ये अभी शायद कुछ अरेस्ट भी हुए हैं, लेकिन अरेस्ट के बाद इस पे तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक में इसको लेना चाहिए इस केस को, और इन लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए, उससे कम कुछ नहीं। क्योंकि जब तक आप कड़ी कार्रवाई के बाद कड़ी सजा नहीं देंगे, तब तक इस तरह के हथियारे सरेआम घूमेंगे, और इस तरह की वारदातें लगातार होंगी राजस्थान में, क्या पूरे हमारे देश में।